जिसके ऊपर अपना लिखा हुआ एडम, यानी कि यह नंबर सही है। कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार नहीं कर रहे। बिहार में यास तूफान को लेकर दो दिन पहले मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए थे कि आपदा के वक्त में आप कहां कहां हेल्प ले सकते हैं। लेकिन क्या अधिकारी ऐसे मौके पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं? दरअसल पप्पू यादव के एक युवा सिपाही पुरुषोत्तम ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी है। उन्होंने जांच किया और पहले आप देखिए कि क्या कुछ हुआ। कुमार, तो आप लोग अखबार खरीदते हैं जरूर, और अखबार में जो नंबर देता है अधिकारी का, उस पे बात करते हैं कि ताकि हमें आपदा के समय राहत मिल सके। लेकिन बिहार की अखबार, पटना की अखबार दैनिक भास्कर है, उसमें आपदा प्रबंधन का नाम नंबर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं अभी यश का चक्र जो कि पटना में चल रहा है, पूरा बिहार में चल रहा है, अन्य जगहों से उठा है, उसका नंबर है आपदा प्रबंधन का 0612, जो कि पटना का कोड है 22-10-11-8, दूसरा नंबर है, उसमें हम बात करते हैं। और उसके बाद देखिए उनके अधिकारी से हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना लिखा हुआ एडम, यानी कि यह नंबर सही है। कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कृपया कुछ समय के बाद कॉल करें। यानी कि आपदा विभाग का कोई अधिकारी हुआ है ही नहीं कॉल रिसीव करने के लिए, इसलिए दो बार ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, एक बार में छोड़ते नहीं। एक बिहारी 100 पर भारी होते हैं, लेकिन एक बार दूसरा बार कॉल आफ्टर सम टाइम। आपके द्वारा कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपदा विभाग का अधिकारी कॉल नहीं उठाता है, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री डूब के मरिए यार, आपका शासन काल में कोई लूट कर रहा है। तो आपने देखा, पुरुषोत्तम कुमार हैं, जाप के युवा नेता हैं, उन्होंने तमाम नंबरों पर कॉल किया और देखा आपने किस तरीके से अधिकारी जो हैं वह फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से नंबर जारी किया गया था, बताया गया था कि यास चक्रवाती तूफान के दौरान बिहार में जो हालात होंगे, ऐसे में किसी परिस्थितियों को लेकर आप अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं। अधिकारियों का नंबर भी जारी किया गया, उसके बाद वह नंबर जो है वह लग ही नहीं रहा है, लगता भी है तो कोई रिसीव नहीं करता है। तो क्या इसी भगवान भरोसे लोग बैठे रहेंगे? आपदा प्रबंधन विभाग क्या कुछ करेगा? सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर नंबर जारी किया जाता है। तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी, बड़े हेडलाइंस पीआर के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।